हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है और ये सीबीएसई में पूछे हुए प्रॉब्लम्स में से है। काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्टैंडर्ड भी माना जाता है और नॉर्मली एक डिसीजन मेकर होता है कि आप फुल मार्क्स ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। बिल्कुल ध्यान से देखो, आप इसमें है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको और उसमें ये गिवन है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, मतलब उसके रूट्स सॉल्यूशन है। देन द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा इज हाफ अल्फा बीटा, ये एक बहुत ही बिग हिंट है आपके लिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सम ऑफ रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। दोनों जो सॉल्यूशन है उनका ये सम है और ये प्रोडक्ट है। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा डेट इज सम ऑफ रूट्स जो होगा वो माइनस बी बाई ए होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा वो सी बाई ए होगा। इसी कंसेप्ट को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब देखो, हमारा जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर के प्लस सिक्स एक्स टू इंटू टू के माइनस वन इक्वल्स माइनस वन, डेट्स इट। यहां कोई जीरो की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पी एक्स के फॉर्म में गिवन है। अब यहां देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है तो ए हो गया वन, बी हो गया ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है के प्लस सिक्स, एंड सी क्या हो गया टू इंटू टू के माइनस वन, ठीक है। अब देखो, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा डेट इज माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस और माइनस के प्लस सिक्स, बी की वैल्यू कितनी है यहां पे माइनस के प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू वन, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा के प्लस सिक्स। अब हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, ये है सी बाई ए, सी कितना है टू इंटू टू के माइनस वन अपॉन वन, मतलब टू इंटू टू के माइनस वन। अब देखो, अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ये पॉइंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स हाफ अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है के प्लस सिक्स इक्वल्स हाफ और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है टू इंटू टू के माइनस वन, टू से टू कैंसिल। अब इसके बाद सिंपल, अब हमारे पास बच गया के प्लस सिक्स इज टू के माइनस वन, दैट इज हम k को इधर शिफ्ट कर ले, 1 को इधर शिफ्ट कर ले, तो 6 प्लस 1 इज 2k माइनस k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। तो k की वैल्यू अगर 7 होगी तो हमारा ये रिलेशन सेटिस्फाइड होगा, दैट्स इट। कोई भी इशू हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करो, अपने प्रॉब्लम्स कमेंट करो, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।